नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 7 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं, ज्ञानवापी में आज से सर्वे शुरू होना है। एएसआई की टीम सर्वे का काम करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल सर्वे पर रोक हटा दी थी, मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया था। सर्वे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, स्थिति ना बिगड़े इसके लिए पहले से ही पुलिस बल मौके पर मुस्तैद। एएसआई का सर्वे होगा, उसके बाद साक्ष्य सामने आएंगे, रिपोर्ट उसके हाईकोर्ट में पेश की जाएगी और उसके बाद ये तय होगा कि ज्ञानवापी को लेकर आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल ये जानकारी कि एएसआई सर्वे पर जितने भी संशय थे वो अब हट चुके हैं। ज्ञानवापी में आज से एएसआई का सर्वे शुरू होने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ही सर्वे पर लगाई रोक हटा दी थी, मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे को मंजूरी दी। बाद से सर्वे का काम होगा, पुख्ता इंतजाम, आसपास के इलाकों में भी पुलिस बल तैनात है। स्थिति ना बिगड़े, सब कुछ नियंत्रण में रहे और एएसआई का सर्वे ठीक तरह से हो सके ये सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। और ज्ञानवापी मामले को लेकर ही आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एएसआई सर्वे को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है ये भी देखने वाली बात, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी, रोक लगाई गई थी इस पर पहले, लेकिन इसके बाद रोक को हटाते हुए एएसआई सर्वे को मंजूरी, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। एएसआई सर्वे को लेकर क्या कुछ कहा जाता है इस पर सुनिए। और मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से एक बहुत बड़ी जानकारी, डीए में बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका था, पहले ही आदेश उसके भी जारी हो चुके हैं। डीए में 9% की बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ है, राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं, छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को इसका लाभ सीधे मिलेगा। मध्य प्रदेश में सौगातों का सिलसिला लगातार सरकार की तरफ से जारी है, इसी के तहत मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था उसे लेकर ऑफिशियली लेटर जारी हो चुका है। छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को 9% डीए, जिसे लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी हुआ। मंडला से अगली बड़ी खबर है, जहां नर्मदा नदी लगातार उफान पर है और बारिश का दौर यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी इसी तरह की स्थिति, रौद्र रूप में नर्मदा नदी नजर आती हुई, ड्रोन से तस्वीरें ले गई हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। मंडला की तस्वीरें हैं, ये देखिए, इस तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आई थी, लेकिन चूंकि ड्रोन व्यू है ये, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से रौद्र रूप में नर्मदा नदी, क्योंकि लगातार बारिश का दौर चल रहा है और इसी के चलते तमाम नदी नाले उफान पर। अभी भी बारिश का दौर थमा नहीं, आने वाले समय में भी इसी तरह की संभावना है कि बारिश जारी रह सकती है, हो सकता है इससे ज्यादा विकराल तस्वीरें भी सामने। और मुरैना की चर्चा करेंगे, जहां उस समय हंगामा मच गया, रतफरी मच गई, जब नशे में धुत एक युवक नल जल योजना की निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक यहां से कूदने की धमकी दे रहा था, इसके बाद हड़कंप की स्थिति बनी, युवक को टंकी पर देखकर लोग यहां पर जमा हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, समझाइश देकर युवक को नीचे उतारा गया, थाने लेकर पहुंची पुलिस। हालांकि इस दौरान वहां पर भागने की फिराक में व्यक्ति नजर आया, लेकिन पुलिसकर्मी ने युवक को धर दबोचा। फिलहाल युवक को थाने के अंदर पैरों में चेन डालकर रखा गया है, पूछताछ की जा रही है। के पास में गली में सीवर लाने का नल जल योजना काम चल रहा था, तो मेरे पास रिंकू शर्मा जी का फोन आया था कि दारू पी करके व्यक्ति चढ़ गया है, तो मैंने थाना प्रभारी प्रमोद जी को फोन पर कॉल किया कि तुरंत वहां पहुंचे। इन्होंने उतारने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं उतरा, जब इन्होंने गाड़ी बैक करके अपने साइड में लगा ली फिर वो नीचे उतर के आ गया है। उसके बाद दारूबाज को थाने लेकर के आ गए हैं, थाने दारूबाज बोल रहा है कि मैं तो वैसे ही मस्ती में चढ़ गया हूँ, आगे से नहीं चढ़ूंगा। ये फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति शराब के नशे में निर्माणाधीन जो टंकी है उसके ऊपर चढ़ गया है और वहां से काले गिलास वगैरह और तस्करी कर रहा है। तो इसको सूचना पे वहां पे जाके देखा तो सबसे ऊपर एक व्यक्ति गांव का लोहे कुशवा उसको चढ़ा हुआ था और उसके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती थी, उसका जो बैलेंस था वो सही नहीं था और निर्माणाधीन सबसे ऊपर चढ़ा हुआ था, जिसमें उसको समझा देने के बाद उसको उतरवाया गया है और ठेकेदार से कुछ 25,000 रुपये अपने किराए वगैरह के लेने की बात कह रहा था
तो उसके बारे में भी आवेदन लिया गया है, जांच की जा रही है। इधर पेंड्रा में युवक और युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दोनों हाई टेंशन बिजली के खंभे पर जा चढ़े थे। गांव के लोगों ने इन्हें नीचे उतारने की कोशिश की, जब असफल रहे तो पुलिस को सूचित किया गया। भारी मशक्कत के बाद दोनों को उतारा गया। पेंड्रा थाना इलाके के कोटगार किए गए। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग भी जमा हो गए थे। युवक युवती दोनों ही टावर पर जा चढ़े। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश दी गई, उसके बाद दोनों को नीचे उतारा गया। अरे लड़की भी हम तो में हैरान कर देने वाली तस्वीरें पेंड्रा से सामने आई हैं। युवक युवती टावर पर जा चढ़े थे, पुलिस समझाइश देती रही, लेकिन भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा पुलिस को भी नीचे उतारने के लिए। आखिरकार दोनों स्थिति को समझे और नीचे उतरे। पूछताछ उनसे की जा रही है कि आखिर किस वजह से ये कदम उठाए। और अब कोंडा गांव से अगली बड़ी खबर, जहां मत्स्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक ट्रक मछली बरामद की गई है। प्रतिबंधित मांगुर मछली जब्त की जा चुकी है। मत्स्य विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर मछलियां ले जाई जा रही थी। जब्त मछलियों की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। प्रतिबंधित है मांगुर मछली, जिन्हें मत्स्य विभाग की तरफ से कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। कोंडा गांव से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक ट्रक मछलियां बरामद की गई। प्रतिबंधित मांगुर मछली जो कि उत्तर प्रदेश ले जाई जा रही थी आंध्र प्रदेश के रास्ते, मछली की कीमत करीब 5 लाख रुपए। इधर महासमुंद जिले में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया। आक्रोशित लोगों ने आरोप को लगाया है कि बेला फुसलाकर लड़की को ले जाया जा रहा था। नाराज लोगों ने बागबहरा नगर के दुर्गा मंदिर के पास से रैली निकालकर थाने का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। पुलिस जाँच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। उसमें आज थाना घेराव कार्यक्रम प्रस्तावित था सर्व समाज के द्वारा, उसमें कि उनके द्वारा एक पक्ष में पीड़िता है, पीड़िता की माता के द्वारा शिकायत की गई है कि उसकी पुत्री को जो है अन्य एक युवक है जो कि लेकर साथ में बला फुसला कर लिया है। उस शिकायत को हमने लिया है और शिकायत प्राप्त की गई है। उसके जो भी अगर विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य पीड़िता जो है जो कि भी चले गई थी, उसे भी हमने खोज लिया है। उसे भी हम और जल्द विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उसके परिजनों को सपोर्ट कर जो अन्य व्यक्ति उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। उसमें अन्य मतदा होते हैं मुस्लिम समाज के होने की जानकारी मिली है। उसमें जैसे ही इलाका हम दोनों की वहाँ पर आती है लेकर आते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार चल रही है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग उनकी तरफ से लगातार उठाई जा रही है और आज इस हड़ताल का चौथा दिन है। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं भी पूरी तरह से बंद हैं। मेडिकल टीचर एसोसिएशन का समर्थन भी इस हड़ताल को मिला है। स्टाइपेंड की मांग लंबे समय से चलती आ रही है, इसके बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से बातचीत का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, जिसकी वजह से मरीज भी काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हैं। और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक बातचीत नहीं होती, जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, विरोधी दल सत्ता पक्ष के फैसलों और निर्णय को लेकर विरोध कहीं ना कहीं करते नजर आते हैं। टीकमगढ़ के सर्किट हाउस में 8 महीने पहले आनंद फानंद में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति लगाई गई। 5 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया अनावरण करने वाले हैं, लेकिन करणी सेना और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। कई कार्यकर्ता एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन पहले से ही पुलिस मौजूद थी। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। और दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के कोने कोने में पहुंचकर जनता से संवाद करने की कोशिश करते हुए, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन आज दमोह में है। कई सारे स्थानीय कार्यक्रम भी यहां पर, इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दमोह के होमगार्ड ग्राउंड पर उतरेंगे और उसके बाद 3 गुली पहुंचकर एक रोड शो में शामिल होंगे। रोड शो घंटाघर होते हुए अम्बेडकर चौराहे पर आकर समाप्त होगा। सीएम शिवराज बीजेपी दफ्तर में एक बैठक भी यहां पर करने वाले हैं। इसके बाद तहसील मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहनों से संवाद करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर संभागीय कमिश्नर, आईजी और कलेक्टर, एसपी समेत अधिकारियों के सभी स्थलों का निरीक्षण करने का जो
सूचना थी वो सामने आई। व्यवस्थाओं का एक बार फिर से जायजा लिया है क्योंकि आज मुख्यमंत्री दमोह पहुंच रहे हैं। रायपुर के आगे बात करेंगे। आज सीएम भूपेश बघेल का एक और भेंट मुलाकात कार्यक्रम। आज दुर्ग संभाग के लिए युवाओं के लिए सौगातों भरा दिन होगा क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। जयंती स्टेडियम भिलाई में कार्यक्रम का आयोजन। इससे पहले बिलासपुर में आपने युवाओं से भेंट मुलाकात देखा, उससे पहले रायपुर में भी ये कार्यक्रम हुआ और आज दुर्ग संभाग के लिए महत्वपूर्ण दिन। युवाओं से भेंट मुलाकात करने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। और दर शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। मामले को लेकर शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे की तरफ से बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ और अधिकारियों को हम निलंबित करेंगे, कुछ और लोगों के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया भी की जा रही है। पदस्थापना में आर्थिक रूप से लेन देन हुआ है, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया। शिक्षकों को नुकसान पहुंचा है, 4 ज्वाइंट डायरेक्टर और 10 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। ये विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है। हमने देखा कि लगभग सभी संभागों में पदस्थापनाएं पदोन्नति के बाद जो संशोधन का खेल खेला गया उसमें शिक्षकों को बहुत नुकसान हुआ है और दूर से दिखाई दे रहा है कि इसमें आर्थिक रूप से लेन देन का काम हुआ है। प्राइमा फेसी हमने सभी आयुक्तों से इसकी जांच कराई है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और दुर्ग के ज्वाइंट डायरेक्टर सहित लगभग 10-12 लोगों को निलंबित किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर कराने की प्रक्रिया जारी है, कुछ और लोगों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई होगी। शिक्षा जैसे पवित्र विभाग में इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए जो भी इस प्रकरण के दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। और धर उमरिया के करकेली जनपद के बोदिली गांव से आए आदिवासी परिवार वनाधिकार पट्टे से वंचित हैं। आदिवासियों की माने तो साल 2002 से वन भूमि में काबिज होने के बाद उन्हें सिर्फ भरोसा मिला, पट्टा नहीं दिया गया। वन विभाग ने भी कभी आपत्ति नहीं की, लिहाजा आश्वस्त है कि पट्टा मिलेगा ही। लेकिन अचानक वन विभाग के बदले तेवर से आदिवासियों पर बेदखली का संकट खड़ा हो गया है। वन विभाग ने किसानों को खेती से रोक दिया है। इसके बाद आदिवासी परेशान हैं, अफसरों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अपर कलेक्टर के पास भी पहुंचे और आदिवासियों को भरोसा दिया है अपर कलेक्टर ने कि जांच करवाएंगे, पट्टा दिलाया जाएगा। हम 10-20 साल हो गए खेती करते, पट्टा नहीं मिल रहा है। न ट्रैक्टर चलाने देते हैं, न हर बैल से जोतने देते हैं। अब जिसके पास बैल है तो जोत रहा है, जिसके पास नहीं है हमारा आदमी भी खत्म हो गया है। हम किस में खेती कराएं तो अपने बाल बच्चे पोसे। सर्वे किया जाएगा, अगर वो पात्र पाए जाते हैं तो उसको तत्काल कलेक्टर साहब से वो बता के उनको पट्टा देने की कार्रवाई की जाएगी। उसमें DFO साहब और कलेक्टर साहब और AC ट्राइबल शासन की ओर से 3 अधिकारी का है सर्वे करने का। बारिश के मौसम में बलरामपुर के फूली डूमर में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पानी में बवंडर उठता देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। तस्वीरें आप देखिए, धरती से पानी को ऊपर आसमान की ओर जाते लोगों ने देखा। प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। बरसात में बवंडर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 पिंडरा से। अगली बड़ी खबर, जिले में भारी बारिश से उफान की स्थिति है और खतरे के निशान से सोन नदी ऊपर पहुंच चुकी है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रपटा जो सोन नदी के ऊपर बना हुआ था पूरी तरह से डूब चुका है। तस्वीरें आप देखिए, आवागमन यहां पर बुरी तरह से बाधित होता हुआ। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की